हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एविडेंस एंड इट्स काइंड, एविडेंस और उसकी इकसाम के बारे में आज हम देख रहे हैं। देखिए, शहादत एविडेंस अरबी जबान का लफ्ज़ है, गवाही शहादत देने को बोलते हैं, यानी तस्दीक करना, सबूत देना। इंग्लिश में उसको एविडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शहादत की तारीफ में कोई वाक़या या मामला जिसके असरात जहन में दीगर वाक़े के मुतालिक मनफी या मुस्बत असरात पैदा करते हों शहादत कहलाती है। कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 2 की शिक्स सी की रूह से वो तमाम बयानात जिसकी अदालत इजाज़त दे ज़ेर तहकीक अमूर से मुतालिक हों उसके सामने दिए जाएं, ऐसे बयानात ज़बानी शहादत कहलाते हैं। और ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अदालत के रूबरू मुआयना के लिए पेश किए जाएं दस्तावेजी शहादत कहलाती है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करते हैं कि एविडेंस की कितनी किस्में होती हैं, एक होती है बराह रास्त एविडेंस, यानी इस किस्म की एविडेंस का ताल्लुक अमर वाक्य से होता है। इस शहादत को तस्लीम कर लेने की सूरत में मजीद शहादत की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी किस्म है बिलवास्ता या वाकियाती शहादत, ऐसी शहादत, ऐसी एविडेंस जो किसी वाक्य को बराह रास्त साबित नहीं करती बल्कि उससे कोई नतीजा अखज़ किया जाता है, आम तौर पर उसको मौत में तस्वर नहीं किया जाता। तीसरी किस्म की है ज़बानी शहादत, वर्बल एविडेंस, अदालत में पेश होके मुकदमा के वाक़यात को बयान करना ज़बानी शहादत कहलाता है। इसके बाद है दस्तावेजी शहादत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें किसी मुकदमा के मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश की जाएं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। इसके बाद एक हकीकी शहादत, हकीकी शहादत किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी शहादत को मादी शहादत भी कहा जाता है, अदालत के रूबरू किसी मादी शाय को तस्लीम करने के बाद गवाही देना हकीकी शहादत कहलाता है। इसके अलावा एक होता है शख्सी शहादत, दूसरे अल्फाज में इसको जबानी शहादत भी कहते हैं, अदालत के रूबरू होकर आकर गवाही देने को शख्सी शहादत कहा जाता है। एक होता है ऐनी शहादत, किसी शख्स का अदालत में पेश होकर किसी मुकदमा के वाकयात का बयान देना जो खुद उसने बाचश्मन देखा हो उसको ऐनी शहादत कहते हैं, यानी उसने खुद देखा हो वो आके एविडेंस दे। एक इसमें सुनी सुनाई हियर से एविडेंस, गवाह जो है किसी वाक्य के मुतालिक वो बयान देता है जो उसने किसी दूसरे शख्स से सुना हो उसको हेयर से एविडेंस कहते हैं। एक होती है रजाकाराना शहादत, जो अपनी मर्जी से कोर्ट में एविडेंस दी जाए। एक होता है इब्तदाई एविडेंस, इब्तदाई एविडेंस को असली शहादत उसको भी, यानी इब्तदाई शहादत या असली शहादत भी उसको कहा जाता है, वो जबानी भी दी जा सकती है। एक होते सानवी शहादत या मनकूली, जो मुसद्दका नकल से मुतालिक हो उसको सानवी या मुसद्दका नकल के हवाले से मनकूला शहादत कहा जाता है। एक होता है एडिशनल शहादत, यानी अगर किसी ज़रूरी गवाह का बयान ज़रूरी होता है उसको गवाह पेश किया जाता है उसको कहा जाता है एडिशनल एविडेंस। एक होता है झूठी एविडेंस, जो झूठ पर मबनी हो जिसमें सच्चाई का कोई इम्कान ना हो ऐसी एविडेंस को कहा जाएगा झूठी एविडेंस। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर जो हमने देखा, मुख्तलिफ किस्में हमने देखी एविडेंस की। इसके साथ इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।